आप देख रहे हैं हमारा एक बेहद सनसनीखेज खुलासा आज के यमराज। हमने आपको बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश के जिले फर्रुखाबाद में एक सब इंस्पेक्टर ने हमसे तमंचे का सौदा किया। सिर्फ पिस्तौल ही नहीं, सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र सैनी ने हमें और भी बहुत कुछ दिया। जब हथियारों को जब्त किया जाता है तो उन्हें सील बंद करके रख दिया जाता है, लेकिन महेश चंद्र जैसे लोगों को इस सील की परवाह ही कहां है। अब बारी थी कारतूस के सौदे की। सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र सैनी ने एक कारतूस की कीमत मांगी 50 रुपए। 12 बोर के इस तमंचे के लिए हमने 20 कारतूसों की मांग की, लेकिन महेश चंद्र फिलहाल 10 कारतूस देने को ही तैयार था। बाकी का इंतजाम उसने बाद में करने का वादा किया। सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने कहा कि कारतूस उसके दुकान में रखे हैं। उसके लिए फर्रुखाबाद का सरकारी मालखाना भी दुकान की तरह ही। महेश चंद्र किसी आर्म्स डीलर की तरह मालखाने में रखे हथियार की सौदेबाजी करता है। महेश चंद्र से हमारी अगली मुलाकात हुई फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के भीड़भाड़ वाले इलाके में। इस बार हमने हथियारों की खरीदारी की बात आगे बढ़ाई। महेश चंद्र से हमने कहा कि वो हमें मालखाने में रखा कोई बढ़िया रिवॉल्वर ला कर दे। रिवॉल्वर की मांग पर सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने ना नहीं की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने हमसे एक पुराना या खराब रिवॉल्वर मांगा ताकि उसे मालखाने में रखे किसी बढ़िया रिवॉल्वर से बदला जा सके। मतलब पुराना या खराब रिवॉल्वर दो और बढ़िया रिवॉल्वर दो। महेश चंद्र ने रिवॉल्वर के शर्त या सौदे की कीमत अभी तय नहीं। हमसे देखना सुना आपने, हथियारों का सौदागर महेश चंद्र हमें सरकारी मालखाने में रखा रिवॉल्वर बेचने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि पहले हम उसे कोई पुराना या खराब रिवॉल्वर ला कर दें जिसे वो मालखाने में रखे किसी अच्छे रिवॉल्वर से बदल सके और ये नया रिवॉल्वर बेचकर वो अपना धंधा यूं ही चलाता रहे। सरकारी मालखाने में रखे हथियार को बदलने का मतलब है मुकदमे के सबूत या साक्ष्य को खत्म करना, लेकिन सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर है कि महेश चंद्र काफी माहिर खिलाड़ी था। धीरे धीरे वो हमसे खुल रहा था, कई राज खोल रहा था। वो हमसे हर तरह के हथियारों का ऑर्डर लेने को तैयार था, और क्या क्या वो देने वाला था, वर्दी में छिपा ये तस्कर हमें और क्या दे सकता था, उसके लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। हम आपको बताएंगे बस कुछ ही पलों में।